मित्रों, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन याद रखें, समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम डी नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप डी नाम वाले लोगों के अप्रैल से लेकर जुलाई तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम डी नाम वाले लोगों के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह के होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम डी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि डी नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं। डी नाम वाले लोग काफी रोमांटिक होते हैं और बिना स्वार्थ के किसी से रिश्ता निभाते हैं। इन लोगों पर जल्दी भरोसा करने से डरते हैं, लेकिन जब भरोसा कर लेते हैं तो ज्यादा भरोसा करते हैं। अपने रिश्तों को लेकर काफी भावुक सोच रखते हैं, इसलिए कई बार जब इनका सपना टूटता है तो काफी दुखी हो जाते हैं। डी नाम वाले लोग बहुत ही दोस्ताना स्वभाव के होते हैं। ये लोग निस्वार्थ स्वभाव के होते हैं, जो हमेशा कुछ पाने की उम्मीद के बिना दूसरों की मदद करते हैं, दयालु होते हैं, कलात्मक होते हैं। डी नाम वाले बहुत ही सहज व्यक्ति होते हैं और बहुत ही सौम्य और बुद्धिमान होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं और कई बार इनको अकेले रहना अच्छा लगता है और इनको संगीत सुनना, रोमांस, आध्यात्मिक विषय इनको ज्यादा प्रिय होते हैं। बहुत ही सरल और भावनात्मक होते हैं डी नाम वाले। दूसरों की तुलना में अधिक कलात्मक प्रतिभा होती है इनमें। उदारवादी होते हैं, बहुत ही दयालु किस्म के लोग होते हैं, वफादार होते हैं और अपने साथी की परवाह करने वाले होते हैं। कहना चाहिए डी नाम वाले लोग बहुत ही सज्जन किस्म के लोग होते हैं और डी नाम वाले लोग रोमांटिक तो होते ही हैं और बहुत वफादार होते हैं। कोमल स्वभाव इनका होता है और अपने दोस्तों और अपने पार्टनर के लिए बिना शर्त उदारवादी होते हैं, भावुक प्रेमी होते हैं। प्रेम और रिश्ते के मामले में डी नाम वाले ईमानदार और अपने साथी की परवाह करने वाले होते हैं, सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और हमेशा काम आने वाले लोग होते हैं। दोस्तों की जरूरत को हमेशा अपनी जरूरत समझते हैं और डी नाम वाले परिवार के लिए भी समर्पित होते हैं और हमेशा खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं। काल्पनिक लोग होते हैं, रचनात्मक लोग होते हैं और अच्छे सलाहकार और समस्याओं का समाधान करने वाले होते हैं डी नाम वाले लोग। एक बार अगर किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो ये हमेशा के लिए होता है, इसलिए आप अपने मित्रों से अच्छा भावनात्मक संबंध बना लेते हैं। सौंदर्य और रोमांस की दुनिया में रहते हैं, कल्पनाशीलता बहुत प्रखर होती है डी नाम वाले लोगों की। तो कुछ इस तरह के होते हैं डी नाम वाले। चलिए मित्रों, सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। डी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों में मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। डी नाम वाले लोगों को इन चार महीनों में 22 अप्रैल तक का समय प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। वहां पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है आपके साथी के साथ, आप प्रयास करें 22 अप्रैल तक ही सुलझाने का प्रयास करें, आपके वाद विवाद सुलझ जाएंगे। 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक का समय भी बेहतर है, लेकिन वहाँ पर गलतफहमी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी और वहाँ पर वाद विवाद सुलझाने में दिक्कत आएगी प्रेम संबंधों में। हालांकि 22 अप्रैल तक का समय प्रेम संबंधों में भरोसा भी बढ़ेगा, एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा और प्रेम संबंधों में काफ़ी मधुरता रहेगी। 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक का समय भी प्रेम संबंधों के लिए बेहतर है, लेकिन वहाँ पर गलतफहमियों के चलते, आपकी वाणी के चलते वाद विवाद हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पर वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है, गलतफहमियाँ ना होने दें, इस बात का भी ध्यान रखकर चलें। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी 22 अप्रैल तक ज़्यादा बेहतर है और 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक आपको ज़्यादा अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत होगी, तभी आपकी बातचीत बन सकती है। तो प्रेम संबंधों में जो 22 अप्रैल तक का समय है वो बहुत बेहतर है और 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक का समय सामान्य परिणाम दिखाएगा। अगर आप सिंगल हैं
और आपकी किसी से मित्रता की बातचीत चल रही है या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर इन 4 महीनों में सबसे अच्छा जो समय रहेगा वो 6 अप्रैल से लेकर और 2 मई तक का समय जो है काफ़ी बेहतर है। वहाँ पर अगर आप अपने साथी को प्रस्ताव देते हैं तो आपके जीवन में साथी की कमी पूरी हो सकती है, यानी प्रेमी प्रेमिका आपके जीवन में आ सकता है। अगर आप मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और अगर किसी से कोई बातचीत चल रही है उससे मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको सफलता मिल सकती है, यानी कि आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। और 6 अप्रैल से 2 मई तक का समय काफ़ी बेहतर है, वहाँ पर आपको आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। बाकी समय में अगर प्रस्ताव देते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी और सफलता भी आपको मिल पाएगी, ऐसा कहना मुश्किल है। वहाँ पर समस्याएँ थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं क्योंकि वहाँ पर आपका साथी आपके बारे में पूरा भरोसा नहीं करेगा, और अगर कोई साथी आपके जीवन में आता भी है तो वो लंबे समय तक चलेगा कहना मुश्किल है। तो सिंगल लोगों के लिए 6 अप्रैल से 2 मई तक का समय सबसे बेहतर है इन 4 महीनों में। यहाँ पर अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, आपके साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। और अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है आपके साथी के साथ, यानी आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल बातचीत नहीं हो पा रही है और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, और आप चाहते हैं, आप परेशान हैं कि आपका साथी वापस आ जाए आपके साथ संबंधों में, तो वहाँ पर भी 6 अप्रैल से 2 मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर अगर आप प्रयास करते हैं आपको सफलता मिल सकती है और आपका साथी दोबारा से संबंधों में आ सकता है, लेकिन स्पष्टता से बातों को सुलझाना होगा। और 22 अप्रैल तक तो ज़्यादा ही बेहतर है, 6 अप्रैल से 22 अप्रैल तक की बात करें तो वो ज़्यादा ही बेहतर है। वहाँ पर अगर आप प्रयास करते हैं और जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है आप उन बातों को स्पष्टता से सुलझाते हैं, शेयर करते हैं, सच्चाई के साथ संबंधों में अपने साथी के साथ आते हैं, तो आपका साथी ज़रूर आपके साथ संबंधों में वापस आ सकता है। और वहाँ पर तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल ना दें, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक के समय में ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी, तभी आपको सफलता मिल सकती है, यानी तभी आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। वहाँ पर इतना आसान नहीं होगा आपको अपने साथी को मनाने के लिए, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से इन 4 महीनों में, खासकर 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक अगर प्रेम संबंधों में बचेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, तभी आपको प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिल पाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों की बात करें डी नाम वाले लोगों के लिए, तो वैवाहिक संबंधों में डी नाम वाले लोगों के लिए अप्रैल और मई का जो महीना है वो बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखाएगा। वहाँ पर रोमांस ज़्यादा रहेगा, लेकिन पुरानी बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए नजर आएंगे। तो अप्रैल और मई के महीने में 22 अप्रैल तक का समय तो फिर भी अच्छा है, लेकिन बाकी समय जो है अप्रैल और मई के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें, वैवाहिक संबंधों में कोई भी वाद विवाद आपके साथी के साथ ना हो, अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। 22 अप्रैल तक हालांकि अच्छे परिणाम मिल जाएंगे आपको, लेकिन 22 अप्रैल के बाद का समय और मई के अंत तक का समय ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, खासकर 7 जून तक का। 7 जून से और 31 जुलाई तक का जो समय है वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे वैवाहिक संबंधों में। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद समाप्त हो और आपका जीवन साथी दोबारा से आपके साथ संबंधों में सामान्य हो जाए और मनमुटाव खत्म हो जाए, तो वहाँ पर 22 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। जब आप प्रयास करें तो आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और आपके साथी के साथ आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। तो 4 महीने में सबसे अच्छा समय यही है जब आप वैवाहिक संबंधों को सामान्य कर सकते हैं, मनमुटाव दूर कर सकते हैं, और बाकी समय में इतनी आसानी से आपको सफलता नहीं मिलेगी। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी, धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, फिर भी आपका गलतफहमियाँ पीछा नहीं छोड़ेंगी और वाणी के चलते आप चाहेंगे कि मनमुटाव खत्म हो, लेकिन वो फिर वाद विवाद आपका उल्टा बढ़ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि कोई ना कोई मनपसंद रिश्ता आपके जीवन में आए, तो उसके लिए 4 महीने बेहतर हैं। डी नाम वाले लोगों के लिए कोई ना कोई रिश्ता इन 4 महीनों में आ सकता है और आपको मनपसंद साथी मिल सकता है, जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कहीं कोई रिश्ते की बातचीत चल रही है और कुछ बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है, तो वहाँ पर आप एक प्रयास करें कि 22 अप्रैल तक आप अपनी बातें बना लें, तो वहाँ पर आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है।
सकती है। 22 अप्रैल तक अगर आप प्रयास करेंगे तो जो भी बातें आपकी अटकी हुई हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी और आपकी शादी की बात भी पक्की हो सकती है। इन 4 महीनों में आप देखेंगे डी नाम वाले लोगों के कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादी की बात भी होगी और शादी की बात पक्की होगी और कुछ की शादी भी होगी। तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ 4 महीने आपको बाड़ी पर संयम रखकर ही बातचीत करनी होगी। वहाँ पर गलतफहमियाँ अगर चल रही हैं तो वो समाप्त नहीं होने वाली हैं, तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संयमित रहना बहुत आवश्यक होगा। वहाँ पर किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचना आपके लिए बहुत आवश्यक है और अपने जीवन साथी के सामने भी किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर आप गलतफहमियाँ नहीं करेंगे, बाणी पर संयम रखेंगे, तभी संबंध सामान्य होंगे, वरना वहां पर आपके संबंधों में मधुरता देखने को नहीं मिलेगी। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में डी नाम वाले लोगों को कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो आप गुरुवार वाले दिन गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, आटे की लोई भी खिला सकते हैं, तो आप देखेंगे काफी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे डी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।